नए महीने यानी कि मई की शुरुआत हो चुकी है और नया महीना अपने साथ कई बदलाव भी लेकर आया है। इन बदलावों का असर आपकी जिंदगी और जेब पर भी होगा। 19 किलो वाला कमर्शियल गैस सिलेंडर आज से 20 रुपए सस्ता हो गया है। एविएशन टरबाइन फ्यूल यानी कि ATF के दाम बढ़ने से हवाई सफर महंगा हो गया है। वहीं आपके सेविंग्स अकाउंट्स और क्रेडिट कार्ड को लेकर भी कुछ बदलाव हुए हैं, तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ऐसे कुछ बदलावों के बारे में जो आज से एप्लीकेबल हो गए हैं। तो सबसे पहला है कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने आज से 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर के दाम 20 रुपए तक कम कर दिए हैं। दिल्ली में 19 रुपए कम होकर 1745.50 रुपए, पहले 1764.50 रुपए था। वहीं कोलकाता में 1859 रुपए, मुंबई में 1698.50 रुपए, चेन्नई में 1911 रुपए हो गया है। हालांकि जो घरेलू सिलेंडर के दाम है उनमें कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। दिल्ली में 803 रुपए, कोलकाता में 829 रुपए, मुंबई में 802.50 रुपए और चेन्नई में 818.50 घरेलू सिलेंडर के दाम है, इनमें कुछ बदलाव नहीं हुआ है। अगला है ICICI ने सेविंग अकाउंट से जुड़े नियमों में कुछ बदलाव किया है। अब ग्रामीण क्षेत्र में ग्राहकों को डेबिट कार्ड के लिए सालाना 99 रुपए और शहरी क्षेत्र में 200 रुपए की फीस देनी होगी। इसके साथ ही 25 पेज की चेक बुक के लिए कोई फीस नहीं लगेगी, लेकिन उसके बाद पर पेज चेक बुक के लिए 4 रुपए का चार्ज देना होगा। IMPS ट्रांजैक्शन अमाउंट चार्ज 2.50 रुपीज से लेकर 15 रुपए पर ट्रांजैक्शन तय कर दिया गया है। इसके अलावा ATF की कीमतें बढ़ गई हैं, हवाई सफर महंगा हो सकता है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने महानगरों में ATF की कीमतों में बढ़ोतरी की है। इंडियन ऑयल की वेबसाइट के मुताबिक दिल्ली में ATF 749.25 रुपए महंगा होकर 101,642.88 रुपए पर किलो लीटर हो गया है, जिससे अब हवाई सफर महंगा हो सकता है। इसके अलावा येस बैंक में मिनिमम बैलेंस के नियमों में भी बदलाव हुआ है। तो बैंक की वेबसाइट के मुताबिक अब येस बैंक के प्रो मैक्स सेविंग्स अकाउंट के लिए मिनिमम एवरेज बैलेंस 50,000 रुपए मेंटेन ना करने पर 1,000 रुपए तक का चार्ज लिया जा सकता है। वहीं प्रो प्लस, येस रिस्पेक्ट SA और येस एसेंस SA खातों के लिए मिनिमम एवरेज बैलेंस मेंटेन ना करने पर मैक्सिमम चार्ज 750 रुपए वसूला जाएगा। इसके अलावा बिल पेमेंट आपकी महंगी हो जाएंगी क्रेडिट कार्ड की। अगर आप क्रेडिट कार्ड से अपने घर की बिजली या बिल या फिर कोई भी यूटिलिटी बिल पेमेंट करते हैं तो ये बदलाव आपके लिए खास है। दरअसल येस बैंक और IDFC फर्स्ट बैंक क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल यूटिलिटी बिल पेमेंट्स के लिए करने वाले यूजर्स को अब एक्स्ट्रा चार्ज पे करना होगा। 1 मई से येस बैंक क्रेडिट कार्ड पर 15,000 रुपए से ज्यादा के बिजली या दूसरे यूटिलिटी बिल पेमेंट पर 1% एक्स्ट्रा चार्ज लगाया गया है। तो वहीं IDFC फर्स्ट बैंक के क्रेडिट कार्ड द्वारा 20,000 रुपए से ज्यादा बिल पेमेंट पर 1% एक्स्ट्रा शुल्क और 18% GST वसूला जाएगा। अगला नियम म्यूचुअल फंड KYC के नियमों से जुड़ा हुआ है। हालांकि ये नियम 30 अप्रैल से ही प्रभावी कर दिया गया है। नए KYC नियमों के मुताबिक निवेशकों द्वारा अपने म्यूचुअल फंड आवेदन पर दिया गया नाम उनके पैन कार्ड के दिए गए नाम के मुताबिक ही होना चाहिए। किसी भी मिसमैच के कारण उनके एप्लीकेशन को अस्वीकार कर दिया जाएगा। इसीलिए पहली बार म्यूचुअल फंड में निवेश करने वाले व्यक्तियों के लिए जरूरी है कि वो अपना नाम, अपनी बर्थ डेट उनके पैन कार्ड में दिए गए डिस्क्रिप्शन के मुताबिक ही रखे, ताकि वो उनके आयकर रिकॉर्ड से बिल्कुल मेल खाए। अगला बैंकों से जुड़ा हुआ है। देखिए, मई का महीना क्योंकि शुरू हो गया है तो बहुत सारी छुट्टियां मई के महीने में आने वाली है, जिसकी वजह से पूरे महीने में 14 दिन बैंकों में कामकाज नहीं होगा, यानी कि बैंक की हॉलीडेज रहेंगी। मई में पड़ने वाले इस छुट्टियों में अक्षय तृतीया हो गया, महाराष्ट्र दिवस जो कि आज है, रविंद्रनाथ टैगोर जी की जयंती है, लेकिन ये अलग अलग राज्यों के हिसाब से अलग अलग छुट्टियां रहेंगी। आप गुड रिटर्न्स की यूट्यूब चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं, पूरी लिस्ट आपको वहां पर मिल जाएगी। इसके अलावा पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। 1 मई को ऐसा होता है कि चाहे वो गैस सिलेंडर के दाम हो, चाहे पेट्रोल डीजल के दाम हो, उनमें रिवाइज किया जाता है प्राइसेस को। लेकिन फिलहाल दिल्ली में पेट्रोल 94.72 रुपीज लीटर, डीजल 87.62 रुपीज पर लीटर के हिसाब से बिक रहा है। मुंबई में 106.31 रुपए और डीजल 94.27 रुपए पर लीटर मिल रहा है। तो कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। तो ये कुछ बदलाव थे जो आज से आपकी जिंदगी में लागू हो गए हैं। आपका इन बदलावों को लेकर क्या कुछ कहना है आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो गुड रिटर्न्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।